अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक्त जो एक कैप टीम थी वो एयर से ही जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7-8 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे लेकिन हमारी जो कैप एयर में थी वो उनके सामने जाके उसको चैलेंज किया। एसओपी के मुताबिक जब पहली कैप टीम जो थी वो वहाँ कमिट हो गई तो सेकंड कैप टीम ऑटोमेटिकली इन एयर हो गई। वाइल दे वर फेसिंग द थ्रेट इन लाहौर सियालकोट सेक्टर एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज़्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैप टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए। अगर तो ये स्ट्राइक करते हमारे किसी भी पोजीशन पे जो कि मिलिट्री पोजीशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ तो एक फाइट होती है एयरफोर्स की एक उनकी इंगेजमेंट होती है। दे डिड नॉट डू दैट क्योंकि अगर ये किसी हमारे मोर्चे पे अटैक करते तो फौजी तो तैयार हैं एयरफोर्स भी तैयार है कैजुअलिटीज़ भी यूनिफॉर्म पर्सनल्स की होती। लेकिन इंडिया का तो ये मकसद ही नहीं है। इंडिया का मकसद तो ये है मोदी गवर्नमेंट का कि वो आज़ाद कश्मीर में वो तो सीज़ फायर वायलेशन भी करते हैं तो सिविलियन पॉपुलेशन पे डेलिब्रेट टारगेट करते हैं। अगर उनकी स्ट्राइक से कोई हमारी आर्मी की पोस्ट पे स्ट्राइक होती तो यूनिफॉर्म सोल्जर्स की शहादत होती और उनका मकसद पूरा ना होता। उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहाँ पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हों आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है हमने जो उनका मकसद था वो टेक आउट किया और उनकी जो वार मॉन्गरिंग थी और जो पॉलिटिकल जो है फ़ायदे के लिए इलेक्शन के लिए जो करना था वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता। अब जब हमारी एयरफोर्स ने उनको चैलेंज किया नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अगर आप ये देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको येलो और ब्लैक में नज़र आ रही है रेड में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा हुआ है। यहाँ से जो तंगधार सेलियंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से उनकी इंट्रूजन हुई 4-5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्ज़िट का जो उसका पेलोड था वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने तो इसकी विजिबिलिटी जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज़ गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स दे रिमेंड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने
एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गिरा। अब आपने उनकी क्लेम्स देखे हैं कि 350 टेररिस्ट किल्ड, और एक जो उनकी हाइड आउट थी उसको उन्होंने तबाह कर दिया। मैंने आप लोगों को बुलाया इसलिए था कि आप सबको मैं अपने साथ लेके जाता और ऑन ग्राउंड आपको दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से मैं आपको बाई एयर अभी नहीं लेके जा पा रहा। बाय द टाइम मैं आपको बाई रोड लेके जाऊँ तो वहाँ पर अंधेरा हो चुका होगा। लेकिन जो लोकल मीडिया है, कुछ चैनल्स वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने टीवी पे दिखाया भी है, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा। नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस। अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहाँ पे उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूँ 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कोई उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड। द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। तमाम अम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी रेप्स फ्रॉम इंडिया, दे कैन कम थ्रू द ऑथराइज एंट्री इन पाकिस्तान। सी इट फॉर योर सेल्फ, गो बैक एंड टेल योर प्राइम मिनिस्टर वेर इज दैट इम्पैक्ट। झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपने देखी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। तो हमला तो आपने किया नहीं, इंट्रूजन हुई, उसकी रिटेलिएशन तीन पॉइंट्स पे की। एयरफोर्स का पहला काम होता है कि जो एयरफोर्स आ रही है उसको डिनाई करे। हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया। मैंने तीन चीज़ें कही थी, यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस, वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड, वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर, वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड। आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू, वेट फॉर दैट सरप्राइज। आई सेड दैट आवर रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट, see it for yourself, the response will come, and response will come differently. We are a democracy. I said that two democracies, they do not fight. You have proved that you are not a democracy. You have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region. We have fought for 15 years to bring peace and stability in the region. If you look at this option that we focus towards you, we are focusing towards you. Kal parliament ka joint session bhi hai, uske baad prime minister ne national command authority ki meeting bhi bulai hai, and I hope you understand what is national command authority, what does it constitute. We are a democracy. We have political consensus. पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आई ऑथराइज यू टू टेक देम ऑन। जिस प्लान पे वो आए, उस प्लान पे उनको रिस्पॉन्स दिया गया, उनको डिनाई किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी, और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है, आपने पोलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप डिसाइड्स, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हैज़ डिसाइडेड। इट इज़ योर टर्न नाउ टू वेट and get ready for our surprise. Thank you very much, ladies and gentlemen.